अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। सो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटन का कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह बोल के। तो यहाँ हमने सबसे पहले लिए हैं थोड़ा सा खीमा, आधा आलू जो कि हम एकदम कम बनाने जा रहे हैं, कम क्वांटिटी में, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप ज़्यादा बनाओगे तो आप उस हिसाब से सब थोड़ा थोड़ा मसाले बढ़ाते रहना। साथ ही हमने मसालों में लिए हैं हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी कोथमीर, हाफ टेबल स्पून नमक, एक हरी मिर्च, हाफ टेबल स्पून काली मिर्ची का पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, एक अंडा, तो यहाँ हमने अच्छे से मटन खीमे को धो लिए हैं, पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आलू, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून नमक अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालना टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, साथ ही हमने एक हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया काट के ऐड किए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा अंडा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। हो चुका है तवे पे, हमने सभी कबाब को डाल चुके हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको होने देंगे एक साइड से। ये एक साइड से हो चुके हैं, हमने इसको पलट चुके हैं सभी कबाब को। यहाँ हमारे कबाब बनके एकदम से रेडी हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू मटन कबाब की इंस्टेंट रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो आप लोग को अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अगर ज्यादा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और एक बार बनाने का ट्राई जरूर करना, बिकॉज बहुत यम्मी एंड स्पाइसी एंड टेस्टी रेसिपी बन चुकी है। तो चलिए मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वो हमें याद रखना।